हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकोगशन आई एस जोग्रफी ऑफ्टरऑल क्लासेस में जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया है एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस फिजिकल ज्योग्राफी इसके बाद से हम लोग बातें करेंगे ओशनोग्राफी की तो फटाफट शुरू करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस द होल सिलेबस अबाउट इट एंड वॉट एग्जैक्टली द प्लान्स क्या हम आगे स्ट्रैटी फॉलो करने वाले हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फटाफट फड़ शुरू करते हैं लेट अस स्टार्ट लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस ट्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अदर कोर्सेज ऑफ़ रिकोगनीशन आई एस जहाँ पर आप एडवांस जोग्राफी कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के लिए अगेन यू कैन रजिस्टर एंड अदर कोर्सेज आर लाइक आर्ट एंड कल्चर कोर्स और जी की भी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा देर इज़ अनदर प्लान दैट इज़ अ ई गुरुकुल प्रोग्राम फॉर यू पी एस सी तो दोज हु आर एक्चुअली फाइंडिंग इन डिफिकल्टी इन प्रपरेशन और इफ़ यू वांट मोर डिटेल्ड प्रपरेशन ऑब्वियसली यू कैन जॉइन दिस इसके लिए आपको डिटेल्स ई मेल आई डी पर ई मेल करने पर डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगी इफ़ यू हैव स्टिल हैविजॉट ऑब्वियसली यू कैन सेंड योर क्वेरी ऑन रिकोगेशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम सिलेबस वाइज अगर बात किया जाए क्लाइमेटोलॉजी में तो देखिए यहाँ पर मोरलेस जो सिलेबस है वो जी का ही है बस यहाँ पर दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं दैट वी नीड टू डिस्कस इट अदरवाइज नियरली नाइनटी परसेंट ऑफ द सिलेबस इज एक्जैक्टली सेम एंड जितनी भी क्लाइमेटोलॉजी की वीडियोज़ हैं इन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द जी एस सेक्शन दैट इज़ इक्वली रिलेवेंट फॉर दिस ऑप्शनल ऑल्सो एंड दैट इज़ वाई Uh, what वी विल डू हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर भी इस प्ले में एड ऑन कर देंगे ताकि आप अगर आप क्लाइमेटोलॉजी uh, लेक्चर्स को नहीं देखे हैं गो थ्रू नहीं किए हैं तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिए इसके अलावा अगर आपने खुद के अपने नोट्स बनाए हुए हैं दिन ऑबियसली आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू दैट नोट्स बिकॉज देर इज़ नो एस सच एनी डिफरेंस इन द मटेरियल या फिर आप वीडियोज़ के थ्रू जा करके देख सकते हैं हाउ एग्जैक्टली यू हैव मेड योर ओर नोट्स सिलेबस वाइज अगर बात किया जाए तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज क्वाइट सिमिलर थिंग जो कि जी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है हीट बजट ऑफ द अर्थ दिस इज अगेन वेरी सिमिलर थिंग विच इज़ देयर इन द जी सेक्शन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। देखिए यहाँ पर क्या होता है जीएस सेक्शन में ये uh, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से कम पढ़ते हैं सरफिशियल पढ़ते हैं बट वी हैव डिस्कस्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज इसके अलावा प्लानटरी एंड लोकल वेंड्स मानसून एंड जेट स्ट्रीम दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन फैक्ट वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द पेपर टू इंडियन जोग्राफी वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल मैनर में डिस्कशन किया था तो आई होप यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अलावा एयर मासिस फ्रंटोजेनेसिस टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द प्रिसिपिटेशन एंड द मेकेजम ऑफ प्रिसिपिटेशन इसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट कोपन क्लासिफिकेशन था वाइट क्लासिफिकेशन एंड्रवार क्लासिफिकेशन ये क्लासिफिकेशन देखिए हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है तो ये हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़ अदरवाइज वी हैव डिस्कस्ड एवरी थिंग अबाउट दिस टॉपिक इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ द मैन इन क्लाइमेट चेंज इसके अलावा अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट दीज आर बेसिकली द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस जो कि आपके यू पी एस सी में दिया गया है इसमें जो हम लोगों ने वीडियोज में डिस्कशन किए हैं वो कंटेम्प्रेरी अप्रोच को ही लेकर के डिस्कशन किया है मतलब कि जितने भी आपके कंसेप्ट्स uh, हैं जो कि करंट अफेयर्स में बने हुए हैं जैसे पोलर वर्टेक्स हो गया या फिर अर्बन हीट आइटलैंड हो गई या फिर इस तरीके के जितने भी जेट स्ट्रीम्स रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं इन दिस वीडियो एक वीडियो और आएगी एक क्या इनफैक्ट दो या तीन वीडियो आ सकती हैं जहाँ पर कूपन क्लासीफिकेशन थॉन्टवाइट क्लासीफिकेशन और ट्रावार्था क्लासीफिकेशन ये डिस्कस किया जाएगा और अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज अदरवाइज द क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक इज ओवर सो वन और टू डेज़ में आपको ये कंटेंट भी मिल जाएगा एंड देन वी विल कम्प्लीट दिस क्लाइमेटोलॉजी एंड वी विल मूव ऑन टू द ओशनोग्राफी टॉपिक टू टू थ्री डेज़ वहाँ पर भी लगेंगे क्योंकि मोरलेस कंटेंट सेम है उसमें भी कोई अंतर नहीं है एंड देन वी विल मूव ऑन टू द बायो जोग्राफी एंड एन्वायरमेंट वाला टॉपिक और इस तरीके से हमारी जो पूरी, जो पूरी जोग्राफी ऑप्शनल की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी पेपर टू इज़ रनिंग पारलली वहाँ पर भी एग्रीकल्चर का टॉपिक चल रहा है बट uh, uh, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी वीडियोज़ से आपको कंटेंट मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर भी कुछ नए डिस्कशंस करने होंगे बिकॉज दैट टॉपिक इज़ वेरी डायनमिक टॉपिक एंड नीड टू फोकस ऑन दैट सीरीज ठीक है बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो ओबियसली यू कैन रीच अस बाय यूजिंग द मीटर्स इसके अलावा अपने डाउट्स अपनी क्वेरी को आप ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं